में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। आजमगढ़ में अखिलेश ने तोड़कर फेंकी कार्यकर्ताओं की माला, कार्यकर्ताओं ने अखिलेश को पहनाई थी माला। आर्यन खान की जमानत बनी है जूही चावला, बेल पेपर्स पर किए साइन। कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का निधन, दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में थे भर्ती। दिल्ली में बढ़ रहे डेंगू के मामले, बीजेपी ने शुरू किया फॉगिंग का अभियान। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। चमोली में विगत सप्ताह डबल रेड अलर्ट होने के दौरान पानी की पाइपलाइन ठीक करने गए नारायणबगड़ प्रखंड के डुंगरी गांव में पहाड़ टूटने से मलबे में दबे दो युवकों का शव आखिरकार जेसीबी की मदद से बरामद कर लिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों राज्य में भारी अतिवृष्टि हुई थी और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी, जिसमें उन्होंने राज्य के समूचे क्षेत्र में भारी बारिश का उन्होंने आशंका जताई थी, जिसके बाद भारी मात्रा में हुई बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ था। इसी क्रम में जनपद चमोली के विकास खंड नारायणबगड़ के ग्राम पंचायत डुंगरी गांव में 19 अक्टूबर को गांव में पानी की सप्लाई बाधित होने के चलते गांव के दो युवक बारिश के दरमियान पानी की लाइन ठीक करने निकल पड़े थे कि अचानक उनके ऊपर पहाड़ दरक कर टूट पड़ा था। तब से दोनों युवक लगातार लापता चल रहे थे, जिसके बाद आज दोनों के शवों को बरामद कर लिया गया। दो स्थानीय ग्राम पंचायत डुंगरी के दो व्यक्ति यहाँ पे पानी का नल जोड़ने गए थे और ऊपर से स्लाइड हुआ, दोनों दब चुके थे, जिनमें ब्रह्म सिंह नेगी, महावीर सिंह नेगी, दो व्यक्ति इस स्लाइड के नीचे दबे। यहाँ पर NDRF, SSB और SDRF की टीम 19 तारीख से कार्य कर रही है। माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी यहाँ पर पहुँचे। मैं पूरी शासन और प्रशासन का धन्यवाद करता हूं, हमारे विधायक जी, विकासकर नारायणबगड़ के ब्लॉक प्रमुख, सारे स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि थे, इन्होंने अपना हरिद्वार के SSP डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बहादुराबाद पत्री ज्वालापुर में तीन अलग अलग घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि तीनों घटना चोरी लूट डकैती की थी, जिसमें बहादुराबाद की घटना में लगभग 1 करोड़ के आसपास की लूट दर्ज की गई थी, जिसमें लगभग 90% माल की रिकवरी फिलहाल कर ली गई है और सभी आयुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पत्री थाना क्षेत्र में एक हत्या का मामला भी सामने आया था, उसमें भी एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। ज्वालापुर में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। तीनों प्रकरण में लगभग 8 लोग हिरासत में लिए गए हैं, इनमें से कुछ व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास भी खंगाले जा रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसका एक ट्रक चला था फैक्ट्री से हसनगढ़ के लिए हरियाणा में, और पतंजलि के पास इसको कुछ अज्ञात लोगों ने अपनी गाड़ी से ओवरटेक करके इसको ओवर पावर करके कब्जे में ले लिया था, और इसका जो सारा माल है वो एक दूसरी जगह ट्रांसफर करके खाली ट्रक को छोड़ दिया था। ये सामान करीब 1 करोड़ रुपए का था, तो 1 करोड़ रुपए की लूट करीब लिखी गई थी। उस दिन से ही हमारी पुलिस की टीम लगातार इसमें लगी हुई थी पिछले 5-6 दिनों से, और अंततः इसमें सफलता प्राप्त हुई, जबकि इसमें दो अभियुक्त इस घटना में जो थे शामिल, सुनील और शैलेश, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और इनकी निशानदेही पर 90% यानी 90 लाख का माल पुलिस ने बरामद। वहीं पिरान कालियर में एक प्रॉपर्टी डीलर का शव पेड़ से लटका मिला, शव मिलने से मौके पर मौजूद लोगों में सनसनी फैल गई। लोगों की सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि फरमान कलियर के आसपास ही प्लॉटिंग खरीदा था और लंडौरा में कपड़े की उनकी दुकान थी।
वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे कलियर संवाददाता रामपाल सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रामपाल जी, जिस तरीके से ये प्रॉपर्टी डीलर का शव बरामद किया गया है, पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, बाकी क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक दो नहर के बीच एक शव मिला है प्रॉपर्टी डीलर का, जो पेड़ पर लटका मिला है। तो क्या कुछ अभी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई है या फिर पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है? अभी पुलिस का ध्यान यह है कि अभी हमारे हमारी ओर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद बिल्कुल ठोस कार्रवाई की जाएगी। तो जिस प्रॉपर्टी डीलर का ये शव बरामद हुआ है, क्या उसको लेकर उनके परिवार से बातचीत की गई है? परिवार का क्या कुछ बयान इसमें सामने आया? क्या ये हत्या की आशंका उनके परिवार की तरफ से जारी की गई है? बिल्कुल हादसा बताया जा रहा है, किसी की वो बताया जा रहा है कि किसी के द्वारा ये वो पेड़ पर लटका मिला है, सब बताया जा रहा है। अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं बताई जा रही, परिवार में बिल्कुल सनसनी फैली हुई है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पिरान कलियर से आपको हम पूरा मामला बता रहे थे, जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं 31 अक्टूबर को रुड़की के पिरान कलियर में आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तराखंड सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल जो कोठियाल है वो पहुंचेंगे और तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा को बेरोजगारी यात्रा का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि इस यात्रा में आम आदमी पार्टी सभी उत्तराखंड के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की गारंटी देने वाली है। देखिए, 31 तारीख को दिन रविवार हमारे कर्नल अजय कोठियाल साहब जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उत्तराखंड का आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो तिरंगे यात्रा में और इसको हम रोजगार यात्रा का भी हमने नाम दिया है उसमें शामिल होंगे। और हमारी जो सभा संबोधन होगा हज हाउस के सामने जो एरिया है वहाँ पर एक सभा का संबोधन होगा और वहाँ से हम लोग पदयात्रा करते हुए तिरंगे और झंडों के साथ अपना जो हमारा पिलखन चौक है वहाँ से पीपल चौक जो है वहाँ से सैतान चौक से और अपना वीआईपी रोड से होते हुए पीरान कलियर दरगाह जो साबरपाक की दरगाह है वहाँ पर चादर पोशी करेंगे और अमन सुकून की दुआ करेंगे। वही रुड़की लक्सर मार्ग पर तीन बदमाशों ने बाइक सवार युवक को तमंचा दिखाकर पैसे और मोबाइल फोन लूट लिया। बदमाशों ने बाइक लूटने का भी प्रयास किया, वहीं शोर मचाने पर आरोपी मोबाइल और पैसे लूटकर मौके से फरार हो गए, जिसके चलते आरोपी पर्स और मोबाइल फोन लूट की जो पूरी वारदात है उसको अंजाम दिया गया है। फिलहाल पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी, पुलिस भी इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। नई टिहरी जिला मुख्यालय विकास भवन परिसर में दो दिवसीय दीपावली मेले का आयोजन किया गया। विधायक ने रिबन काटकर आजीविका मेले का उद्घाटन किया और कहा कि दीपावली के अवसर पर यह मेला लगाया जा रहा है। साथ ही मोदी जी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी के द्वारा जिले को आगे बढ़ाया गया और दो दिन तक चलने वाले इस दीपावली मेले पर युवा कल्याण विभाग ने रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया है। इस अवसर पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। ऐड कर सके और उनको एक साधन भी मिलता है अपने प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित करने का, तो इसी उद्देश्य से आज ही आयोजन किया गया है। भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन किए जाएंगे। साथ ही साथ यह भी समझा जा रहा है कि उनको भविष्य में अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या सहयोग चाहिए, तो उस सबको भी प्रोवाइड करने में जिला प्रशासन उनका पूरा पूरा ध्यान रखेगा। तो इसी प्रकार के आयोजनों में आप सभी लोगों की उपस्थिति से ये सफल हो पाते हैं और उनको बहुत प्रोत्साहन मिलता है, तो उसी के लिए सभी का धन्यवाद। की पूर्व संध्या पर टिहरी जनपद के उन स्वयं सहायता समूह जो अपने आजीविका समर्थन का काम करते हैं, आज 30 से ऊपर समूह ने जिला मुख्यालय पर जिला विकास अधिकारी और जिला प्रशासन के माध्यम से यह आजीविका मेला लगाया गया है। मैंने दीपावली के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं और हमारा जो लोकल फॉर वोकल का जो हमारा नारा इससे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिस कारण हम अपने क्षेत्र के उत्पादों के माध्यम से अपनी आजीविका के समर्थन के साथ साथ हम अपनी पहचान बना सकें, ऐसे संकल्प को आगे बढ़ाने का आज मैंने सभी को साधुवाद दिया है।
एक मूर्तिकार अपनी कला और हुनर के माध्यम से सीमेंट और कंक्रीट में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पौंटा साहब के रहने वाले राजेश थापा भी एक अद्भुत मूर्तिकार हैं, जो सालों से सीमेंट और कंक्रीट की मूर्तियों में जादू फूंक कर अपने हुनर का परिचय दे रही है। राजेश थापा द्वारा बनाई गई मूर्तियां मानो जैसे अभी ही बोल उठेगी। राजेश थापा द्वारा विकास नगर क्षेत्र के ढालीपुर में जोशी फार्म हाउस ने एक मंदिर की मूर्तियों का निर्माण कराया। इस मंदिर में शिव पार्वती परिवार सहित कई देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया। इन मूर्तियों की खास बात यह है कि इन मूर्तियों को बनाने में किसी भी फर्मा या सांचे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। राजेश थापा ने अपने हाथों से ये मूर्तियां बनाई है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।